वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जरगर न्यू टैलेंट। साथियों आज हम बात करेंगे ब्लैक पैंथर के बारे में, जिसे काला तेंदुआ भी कहा जाता है। ये खास तौर से अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत और चीन जैसे कई एशियाई देशों में भी पाए जाते हैं। म्यांमार में अक्सर काले तेंदुए देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक पैंथर्स पूरी तरह मांसाहारी होते हैं, ये केवल मांस ही खाते हैं। ये जंगली सुअर, सफेद पूंछ वाले हिरन, रेकून, खरगोश, चूहो, यहाँ तक कि ये कभी कभी मगरमच्छों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। 1788 में जीन क्लाउड डेला मैथेरी ने काले तेंदुए का जिक्र किया था, जिसे लंदन के टावर में रखा गया और इसे बंगाल से लाया गया था। काले तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। ये काले तेंदुए चीता और जगुआर से काफी मिलते जुलते होते हैं। ब्लैक पैंथर काफी खूंखार होता है, ये कभी भी हमला कर सकता है। ये इतने काले होते हैं कि शायद रात को दिखाई भी नहीं देते। अपने काले रंग की वजह से ये जंगलों में दूसरे जानवरों को दिखाई नहीं देते और इसी कारण ये शिकार आसानी से कर लेते हैं। जंगलों में जब ये काला तेंदुआ दिखाई देता है तो दूसरे जानवर इसको देखते ही भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हैरानी होती है कि इससे पहले उन्होंने कभी काले तेंदुए को नहीं देखा होगा। काले पैंथर में रौब दिखाने की आदत होती है, इसी रौब के कारण ये शेर तक से भिड़ जाता है। कभी कभी ये एनाकोंडा तक को चुनौती दे डालता है। शेर और काले तेंदुओ में अगर भिड़ंत होती है तो शेर दुम दबाकर भाग जाता है, क्योंकि काला तेंदुआ बहुत ही ताकतवर और फुर्तीला होता है। काले पैंथर का जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है, ये शिकार पर अपनी पकड़ बनाए रखता है। काला तेंदुआ 1100 PSI की ताकत से अपने शिकार को चबा डालता है। इसकी ये ताकत शेर से कहीं ज्यादा होती है। काले पैंथर की बॉडी लचीली और फुर्तीली होती है। आपको बता दें कि काले तेंदुए का ये काला रंग मेलेनिज्म की वजह से गहरा होता है, जो आमतौर से तेंदुओं में पाया जाता है, जिस कारण जानवर की पूरी बॉडी काले रंग की हो जाती है। इसके फर गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। काले तेंदुए सबसे ज्यादा अधिक वर्षा और घने वाले इलाकों में पाए जाते हैं। भारत में ब्लैक पैंथर उत्तर पूर्व भारत और पश्चिमी घाटों में देखे जा सकते हैं। मेलानिस्टिक तेंदुआ, जिसे आमतौर से ब्लैक पैंथर कहा जाता है, अमेरिकी कॉमिक किताबों में दिखने वाला यह किरदार आपने देखा होगा। इसके अलावा कई फिल्मों, किताबों और वीडियो में ब्लैक पैंथर के विभिन्न रूपों को देखा होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ जंगली काले पैंथर। ब्लैक पैंथर का जीवन काल जंगलों में 12 साल तक होता है, वहीं कैद में रखे गए ब्लैक पैंथर 20 साल तक जीवित रहते हैं। बात करें इसके वजन की तो ये 70 किलो तक के होते हैं। ये 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ब्लैक पैंथर 3.5 से 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ब्लैक पैंथर 5-6 दिन तक बिना कुछ खाए भी रह सकते हैं। ज्यादातर ब्लैक पैंथर पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं, केवल शिकार करने के लिए ही ये जमीन पर आते हैं। ये अच्छे शिकारी होते हैं, ये झुंड में रहना पसंद नहीं करते। शिकार के लिए ये अकेले ही निकल पड़ते हैं। मादा का गर्भकाल 3 से 4 महीने का होता है। मादा 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। नर और मादा मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। बच्चों और मादा के लिए नर पैंथर भोजन का इंतजाम करता है। दुनिया भर में ब्लैक पैंथर की बहुत ही कम तादाद बची है। भारत में छत्तीसगढ़ और आसाम में इन्हें देखा गया है। साथियों यह थी ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ खास जानकारी आपके लिए। ऐसी खूबसूरत और नया वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नई नई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने माता पिता का ध्यान रखें, बड़ों की इज्जत करें। धन्यवाद।